यूं तो आज की तारीख में कोई 6,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें 180 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, और इसमें जो पक्के मकान है उनकी संख्या भी रोज प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में बारिश जो है जारी है। तो इसके बावजूद जो है मौके पर जाकर, चाहे सड़क संपर्क है, चाहे आपके पेयजल योजनाएँ हैं, चाहे आपके अन्य बिजली की भी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का जो है भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बरौनी जो है कोई आज का मामला नहीं है, लगातार हर साल देखते हैं जब भी बरसात के समय में ये पूरा का पूरा जो है कट जो है वहाँ पर सड़क आप बना लेते हैं, परंतु फिर दोबारा वहाँ पर नए सिरे से बनाना पड़ता है। इसके लिए हमने इस बार जो है डिजास्टर मिटिगेशन में एक बड़ा विस्तृत जो है इन्वेस्टिगेशन करके DPR तैयार करके आगे के लिए इसको जो है सुरक्षित बनाने का जो है एक कदम उठाया है। आपने रामपुर क्षेत्र का दौरा किया, क्या स्थिति है? रामपुर का जो हमारा खासकर रचौली का एरिया है और इसके साथ फॉरेस्ट कॉलोनी है और आगे कल्याण नगर है, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है बारिश के कारण हुआ है। मकानों में दरारें पड़ी है, सीवरेज की व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त है, और पैदल चलने के रास्ते जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्रभावितों को फौरी तौर पर क्या सहायता दी जा रही है? अभी जो है जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको फौरी राहत के रूप में जो है कुछ राशि दी गई है, परंतु अभी हमने निर्देश दिया है कि इनको फौरी राहत के बजाय पूरा का पूरा जो राशि है एक मुश्त दिया जाए, ताकि इनको जो है ऐसे मुसीबत के समय में इनको कुछ न कुछ राहत एहसास हो सके। सर, सेब सीजन शुरू हो गया, तो अधिकारी को क्या निर्देश दिया? सेब सीजन के लिए आपका ज़्यादातर सड़कों पर जो है युद्ध स्तर पर काम चला है, कुछ रास्ते अब भी बंद हैं, उनको भी तेजी से जो है बहाल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।